मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे के चरणों में छोटी से वंदन सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी दुखानी संसार की सभी जीवात्माओं को मेरा चारों तरफ प्रकृति की छटा देकर मन में आनंद स्रोत बैरह पर तू उदास आनंद स्रोत बैरह पर तू उदास अचरज है जल मेरे कर मछली को प्यास है आनंद स्रोत बैरा पर तू उदास है फूलों में जो सुबास इख में मिठास है भगवान आनंद स्रोत बैरह पर तू उदास है। प्रिय जनों उस परमात्मा की प्रकृति को तो देखो। अभी मैं सुबह उठी थी, उठकर बाहर आई, बाल सूर्य से मेरा स्वागत किया। बाल सूर्य को देखकर मन में एक उत्साह पैदा हो गया। मैं कहने लगी, हे सूर्य देवताओ मेरा मित्र बन जाओ, मुझे भी अपने जैसा तेजस्वी बनाओ, वीर्यवान बनाओ, ज्योतिर्वान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, अपने जैसा पथ प्रदर्शक बनाओ। सूर्य के जागृत होते ही, सूर्य के निकलते ही प्राकृतिक छटा चारों तरफ से महक उठती है। एक तेज एक स्फूर्ति प्रकृति में नाचने लगती है। चिड़ियों की चहचहाट, मोर का गूंजना नाचना चारों तरफ देखने लायक होता है। हम भूल गए हैं, वासनाओं के जाल में फंसे हुए संसारिक जीव तो भूल गया उसको देखना, जिसको देखने के लिए परमात्मा ने तुझे भेजा। क्या करने आया था और क्या करने लगा है? अपना खाना प्रकृति है, दूसरे का छीन कर खाना विकृति है, और अपना भी किसी को दे देना ये संस्कृति है। ये हमारे आज की प्राकृतिक छटा के सूर्य, नदियाँ, पेड़ पौधे सब सिखा रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोए हुए हैं। कुछ तो समय निकाल आत्मशोध के लिए, नर्तन का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बैरह
छोट बेरा कर क्यों उदास है। ज्ञान चक्षु खोल कुछ देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बैरा कर तू उदास है, आनंद स्रोत बैरा कर तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक मानव तू, जब तक इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बैरा कर तू उदास है, आनंद स्रोत बैरा कर तू उदास है। आनंद स्रोत बैरा कर तू उदास है। इस समय मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गरीब इंसान था, बेहाल था, एक पादरी के पास गया और कहने लगा मुझे कुछ दे दो। पादरी महोदय बोले, ये सारी जमीन, ये सारे किले, ये सारे महल, ये सारे बावड़ी मेरी है। इस बावड़ी में जब तक तुम दौड़ोगे वो तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है, सूर्य छुपने से पहले तुमने मेरे चरणों में आकर फिर मस्तक नवाना है, ये तुम सोच लेना। वो बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। उस बेचारे ने दौड़ना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा दौड़ा था, समय देखा, सूर्य छुपने में काफ़ी समय था। उसने सोचा थोड़ा सा और दौड़ लूँ, महल चुबारे तो दौड़ लूँ ताकि मेरे बच्चे आराम से रह सकें। महल चुबारे दौड़ने के बाद फिर समय देखा, समय अभी बाकी था, काफ़ी समय था। सोचा मैं राजा बनूंगा, मेरी सेना होगी, उसके लिए छावनी तक तो दौड़ लो। छावनी तक दौड़ने के बाद भी समय देखा, सूर्य छुपने में 2 घंटे बाकी थे। उसने सोचा मेरी बहू बेटियों के दौड़ने के लिए बाग बगीचों की जरूरत पड़ेगी, पोता पोती खेलेंगे, मैं आनंद में रहूंगा, कम से कम ये बावड़ी भी तोड़ लूँ। दौड़ते दौड़ते सूर्य छुपने में सारा ही 1/2 घंटा रह गया। फिर उसी पादरी की बात याद आई, उन्होंने तो कहा था ये सब तभी मिलेगा जब सूर्य छुपने से पहले तुम मेरे चरणों में आ जाओगे। अब उसने वापस दौड़ना शुरू किया, इतना तेज दौड़ा। पादरी के चरणों में सूर्य छुपने में 1 मिनट था तब तक आउट हो गया, लेकिन हाँफनी छुट गई, सांस निकल गई, प्राण त्याग दिए। तब पादरी ने 2.5 गज जमीन खोदी और उस जमीन में दफनाते हुए कहा, आदमी को जरूरत तो 2.5 गज जमीन की थी, लेकिन सारी जिंदगी दौड़ते 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 अपनी बिता देता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। यही कफन और यही जमीन हासिल होती है। 1 लंगोटी 2 रोटी 3 गज जमीन के लिए दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, उसके बाद भी नहीं जागता है आदमी। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी दुनिया के मालिक थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। आज की क्षण भंगुरता जीवन में हमें भी ये कुछ सीख मिलती है। हम उस प्रकृति की गोद को छोड़कर, उस हाने परमात्मा के दृश्यों को छोड़कर किस ओर खो गए हैं। वासना के संसार में डूबा हुआ अंधा व्यक्ति अनभिज्ञ हो गया है। एक घड़ी भी अपने जीवन का उस प्रभु के लिए नहीं लगाता है। फिर मुझे एक कहानी फिर याद आती है,
एक राजा था, माँ प्रतापी माँ धार्मिक राजा था। एक बार उसके नगरी में अकाल पड़ गया। किसी पुरोहित को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये राजा तुझे एक महायज्ञ करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इस भूखी प्रजा को इस अकाल से बचा सकोगे। राजा ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, पर यज्ञ के दौरान ही आकाशवाणी हुई, हे राजा झोली उठाकर अगर तुम किसी भिखारी से भीख मांगोगे तभी तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। राजा के लिए बड़ा दुर्लभ कार्य था, क्योंकि राजा ने तो सौदा दिया ही दिया था, अर्जन सर्जन करते हुए दो हाथों में कमाया भी था और बांटा था, लेकिन मांगा नहीं था। पर आज अपनी जनता के सुख के लिए राजा ने झोली उठाई और भिखारी से मांगने के लिए चल पड़े। उधर एक भिखारी अपनी कुटिया से 3-4 झोली लेकर एक मुट्ठी चाल झोली में डालकर इसलिए निकला था, आज तो यज्ञ हो रहा है, खूब सारे पकवान मिलेंगे, मिष्ठान मिलेंगे, सामग्री मिलेंगी, भरपूर खाना मिलेगा, आज तो मैं खूब माला माल होकर आऊँगा। और चल पड़ा। जैसे झोली उठाकर चला तभी उसकी राजा से भेंट हुई। राजा ने झोली पसार दी और भिखारी को कहने लगे, तुम्हें कुछ ना कुछ मेरी झोली में डालना पड़ेगा। भिखारी के सामने बड़ी समस्या आई, उसने हमेशा लिया ही लिया था, दिया नहीं था, झोली में हाथ डालता है निकाल लेता है, झोली में हाथ डालता है निकाल लेता है, पर देते नहीं बनता। राजा कहने लगा, मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, मेरा यज्ञ नहीं पूरा होगा, आज तो है भिखारी तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। आखिर में मजबूर होकर भिखारी ने दो चावल के दाने राजा की झोली में डाल दिए, पर सारे रास्ते पछताता गया, कैसा दिन निकला है, मुझे दो चावल के दाने भिक्षा में डालने पड़े, हाय राम आज मुझे दो चावल के दाने भिक्षा में डालने पड़े। राजा के यज्ञ में गया, खूब मिष्ठान मिले, खूब पूरियां मिली, खूब हलवा मिला, माला माल हुआ, दक्षिणा भी मिला, पर पश्चाताप खत्म नहीं हुआ, आज तो मुझे दो चावल के दाने राजा को डालने देने पड़े। घर आया, पत्नी बड़ी खुश हुई, अरे इतना माल लेके आए, अरे इतनी झोलियां भर के लाए, आज तो बहुत आठ हो गए। कहने लगा, माथा पीट कर, अरे क्या बात करती हो, आज तो मुझे दो चावल के दाने डालने देने पड़े, उसका पश्चाताप ही नहीं मिट रहा है। जब उसकी पत्नी ने झोलियों को खोला तो बाकी सब तो पूरी थी, हलवा थे, चावल थे, लेकिन दो चावल के दाने बेशकीमती हीरे बन चुके थे। तब भिखारी ने माथा पीट कर रोया, अरे बाबा अगर मुझे मालूम होता कि ये दो चावल के दाने इतने बेशकीमती हीरे बन जाएंगे तो मैं तो और भी दे देता राजा को भिक्षा में। राजा का अनुष्ठान पूरा हो गया, अकाल खत्म हो गया और भिखारी का माथा पीटना भी चालू रहा। वो रोने लगा कि काश कि मैं और चावल के दाने भी दे देती। भाई और बहनों और सज्जनों, ये मेरी कहानी यहाँ पूरी नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। परमात्मा रूपी राजा हमारे आगे बार बार याद दिला रहा है, हे मनुष्य तेरा जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, तू इसको उस भिखारी की तरह व्यर्थ ना खो, तू भी इस परमात्मा रूपी राजा की भिक्षा में सत्संग के पुण्य के दान के अच्छे कर्मों के दो चावल के दाने डाल दो। लेकिन तू जागता नहीं है, सोचता रंग रलियों से समय निकाल कर इधर लगाऊंगा तो मेरा सम्मान व्यर्थ हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में अपनी आद, तुलसी संगत साध की मिटे कोटि अपराध। अगर एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा सा भी समय तुम अपने सत्संग में लगा दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। इस प्रकृति की गोद में लगा दो, इस बहती हुई नदियों का बहाता हुआ पानी, हरी भरी चींती हुई धरती की तरह तुम भी दानवीर बन जाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। तो पहले हमारे भजन गाते थे कि नदी ना पिए कभी अपना जल और पेड़ ना खाए कभी अपना फल, आज हम किस विकृति की ओर चल पड़े हैं। खाने से पहले
हक पराया सोच ले, कितने भूखों की है इसमें रोटियां दिखा कर। दुनिया का जीतने वाला सिकंदर इतिहास की तारीखों में लिखा जाएगा, लेकिन वंदनीय पूजनीय अर्चनीय तो ये राम, ये कृष्ण, ये महावीर ही होंगे। तो आज हमने अपना जीवन धन्य बनाने के लिए अपना वह समय परमात्मा की भक्ति में लगाना है, सत्संग में लगाना है। कुछ तो समय बितार आत्मशुद्धि के लिए, नर्तन का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत में रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बेरा पर तू उदास है। ज्ञान चक्षु खोल कुछ देख तो सही, जिसे को तू ढूंढता वो तेरे पास है, आनंद स्रोत।